हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेथड हैं, मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। आइए देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से कि दोनों मेथड से किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वर्किंग आवर्स पर वीक है 30 आवर्स, मशीन है हमारे पास 5, फैक्ट्री ओवरहेड है 6 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 15,000 और ये 4 वीक्स के लिए दिया गया है। लेबर आवर्स का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे फैक्ट्री में सिर्फ लेबर के ऊपर डिपेंडेंस हो, और मशीन आवर का मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब फैक्ट्रीज में मशीन के द्वारा प्रोडक्शन वर्क हो रहा हो। आइए सॉल्व करने के फर्स्ट मशीन आवर्स। मशीन आवर फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर्स। यहाँ पे हमें फैक्ट्री ओवरहेड दिए गए हैं 6,000 रुपये, तो हम 6,000 ले लेंगे और मशीन आवर हमें दिए गए हैं 30 और हम पे मशीन हैं 5 और हमें ये दिए गए हैं 4 वीक्स के लिए 4, तो ये बना 10 रुपीज पर आवर। सेकंड लेते हैं लेबर कॉस्ट मेथड। लेबर कॉस्ट मेथड यानी कि लेबर के खर्चे पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इसे परसेंटेज में निकालना है इसलिए हमने इसके साथ मल्टीप्लाई 100 किया। फैक्ट्री ओवरहेड्स 6,000 रुपये और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ गया 40%। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड हैज 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी, वर्क इज डन मैन्युअली इन डिपार्टमेंट ए। एबीसी लिमिटेड के 2 डिपार्टमेंट है ए और बी। ए में वर्क मैन्युअली होता है और मशीन बाय मशीन्स इन डिपार्टमेंट बी, और डिपार्टमेंट बी में ही मशीन द्वारा होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज और मशीन आवर रेट। इसमें भी हमें दोनों तरह से क्वेश्चन करना है। डायरेक्ट वेजेस 1,00,000, ओवरहेड्स ऑफ ए डिपार्टमेंट के 60,000 और बी डिपार्टमेंट के 90,000। अदर ओवरहेड विच इज शेयर इक्वली टू बोथ डिपार्टमेंट इज 20,000। एक और ओवरहेड है जो दोनों डिपार्टमेंट में इक्वली शेयर होंगे, वो है 20,000। देयर आर 5 मशीन्स, यहाँ पे 5 मशीन है। ईच मशीन वर्क 40 आवर इन ए वीक, हर मशीन एक हफ्ते में 40 घंटे काम करती है। ईच मशीन रिमेन आइडल ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर एंड हॉलीडे इज 80 आवर एनुअली। रिपेयर के लिए और छुट्टियों के लिए मशीन 80 आवर तक खाली रहती हैं साल में। अब दोनों मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज। टोटल ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए के हैं हम पे 60,000
और जो 20,000 के अदर ओवरहेड्स हैं उसे हमने इक्वली डिवाइड करना है ए और बी में। तो ये हो गया 70,000 फैक्ट्री ओवरहेड, डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस, सत्तर हजार डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल 70%। नेक्स्ट है, ये डिपार्टमेंट ए के लिए था, डिपार्टमेंट ए के लिए, और ये मशीन आवर रेट, ये डिपार्टमेंट बी के लिए। इसमें टोटल ओवरहेड कितने थे? टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट बी, टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट बी 90,000, और जो बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना था इक्वल 1,00,000। और अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ईच मशीन निकालना है, ओवरहेड फॉर ईच मशीन। एक लाख डिवाइड, और यहां पे हम पे मशीन्स कितनी थी? 5, तो हमारे पास आया 20,000। और मशीन्स आवर कितने थे हम पे? नंबर ऑफ मशीन्स आवर्स, मशीन आवर्स 40 आवर्स पर वीक थे, तो साल में होते हैं 52 वीक्स। 52 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 80, 80 आवर्स हमारी मशीन आइडल रही इसलिए हमने 80 आवर्स पर ईयर में से माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास आया 2,000। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स बीस हजार डिवाइड बाय 2,000 मल्टी इक्वल 10 रुपीज पर आवर। हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स मेथड पार्ट डिपार्टमेंट ए के लिए इसलिए चुना क्योंकि वहां पे मैनुअली वर्क होता था और इसलिए यहाँ पे लेबर लगती थी, और डिपार्टमेंट बी के लिए हमने मशीन आवर इसलिए चुना मेथड क्योंकि डिपार्टमेंट बी में सारे वर्क मशीन से होते थे। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।